टिकटॉक में अपना मोबाइल नंबर जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने अपने मोबाइल के अंदर टिकटॉक ऐप के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर आना है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप जैसे 3 लाइन्स बने, इस पर आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आप जैसे अकाउंट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर पहले से अगर ऐड है तो वो शो हो रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है चेंज फोन और एक है अनलिंक फोन। तो आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने चेंज फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अनलिंक फोन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर हम चेंज फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नया मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपने कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PK+92 पाकिस्तान का ये कोड है। अगर आपका कोई और कोड है, आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, किसी और सिम है आपके पास उस कंट्री की, तो वो कोड यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर गलत सेलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ जो मैंने ऐड करना है, नया नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने सेंड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक कोड आएगा SMS में, ठीक है, या ये लोग कभी कभी ना आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है, जो उस पर कोड आएगा वो SMS में यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अगर सिम आपके मोबाइल के अंदर है तो कोड ही ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। देखिए, अब मेरे पास SMS में कोड आया और इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया। तो यहाँ पर ऊपर आप देखते हैं हमारा मोबाइल नंबर भी जो है वो चेंज हो गया। तो कोड आपने SMS में आएगा, अगर सिम दूसरे मोबाइल के अंदर, तो वो कोड यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया। तो इस तरह आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो टिकटॉक ऐप के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।